संगठनों का समर्थन मिला है आपको? बिजली के लगभग तमाम संगठनों ने इंटर डिस्कॉम तबादले के पक्ष में लिखा है और हमें समर्थन दिया है। आप देख सकते हो आर्मेट का संगठन से प्रदेश अध्यक्ष भाई पृथ्वीराज गुजर भी आज धरने स्थल पर पहुंचे हैं और इनका भी हमें साथ और समर्थन मिला है। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी लड़ाई, कल के इस ऐतिहासिक आंदोलन को एक इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और बिल्कुल हर संभव हम विधानसभा पर पहुंचेंगे, चाहे सरकार कितनी भी सख्ती कर ले। कल शहीद स्मारक पे जो हमारा कार्यक्रम धरना रहेगा सारे दिन का, उसके बाद हम डिसाइडेड करेंगे आगे की क्या रणनीति रहती है, उस पर विचार करेंगे बैठ के, ताकि कल शाम तक तो हमारा धरना शहीद स्मारक पर रहेगा। इस बीच में हम विधानसभा के घेराव के लिए बिल्कुल जाएंगे, भले ही पुलिस कितनी भी सख्ती करे, कितना ही लाठीचार्ज करे, कितना ही बल प्रयोग करे, बावजूद हम सदन के पटल पर हमारी मांग को रख के आएंगे और बिल्कुल पुलिस प्रशासन से दो दो हाथ करेंगे। अगर फिर भी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आप क्या कदम? ये लड़ाई अनवरत रूप से जारी रहेगी, जिसका कल हम बता रहे हैं आपको, यदि जरूरत पड़ी तो हमारे जो कार्मिक हैं बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे, और हमें यदि लगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम जो सड़कें जाम करेंगे, इसमें होने वाले अवरोध के लिए या जो भी आमजन को जो दुविधाएं होंगी उनके लिए निगम प्रशासन व राजस्थान सरकार जिम्मेदार रहेगी। अभी भाई पूरा लेना जी, कल के बारे में आप थोड़े में बताएंगे कि किस कहां से कहां तक का आपका घेराव रहेगा विधानसभा की ओर? सभी राजस्थान की पांचों बिजली कंपनियां हैं जिनको 19 जुलाई सन 2000 को 5 बिजली कंपनियों में तोड़ा था, तब से लेकर के और आज दिनांक तक लगभग 23 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान सरकार हर विभाग के अंदर कर्मचारियों के तबादले करती है, लेकिन आज दिनांक तक विद्युत कर्मचारियों के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण नहीं किए हैं। इसकी वजह से कर्मचारी आहत हैं, लगभग 90 दिनों से अधिक समय से यहां पर धरना चल रहा है और कल मजबूर होकर के राजस्थान की विधानसभा का घेराव राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार अतिशीघ्र इस मांग को पूरा करे, अन्यथा मजबूर होकर के और इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से लोग आएंगे कल इस महाघेराव के अंदर? राजस्थान के लगभग सभी जिलों से कर्मचारी इस महापड़ाव में आ रहे हैं।